अस्सलाम वालेकुम, आपका फार्मासिस्ट हमाद अहमद। आज मैं आपको लीमू के बारे में बताता हूँ। ये एक लीमू का दरख्त है। ये लीमू सरसब्ज छोटे दरख्त में शुमार होता है और इसके ओरिजिन का आज तक नहीं मालूम हुआ, लेकिन तारीख की किताबों में पता चलता है कि ये सबसे पहले साउथ ईस्ट इंडिया यानी असम के इलाकों में उगाया गया। वहाँ से ये बर्मा और चाइना में भी बाद में उगता रहा। यूरोप में ये पहली दफ़ा यूनानियों ने इसे इटली के रास्ते वहाँ लेकर के और उसको मुतारफ़ कराया, और इस तरह ये कहा जा सकता है कि लीमू को यूनानियों ने यूरोप में मुतारफ़ कराया। नेहरू इसको अपने दस्तरखान की जीनत रखता था, उसके हर रोज़ के दस्तरखान में लीमू होता था, क्योंकि शुरू में लीमू जहर और जहर वाले तीर लगने से और या नेजा या तलवार के ज़ख्म में लीमू का इस्तेमाल उस वक़्त के स्कॉलर्स और हकीम किया करते थे। लीमू बेसिकली बरसगीर में भी इसको स्कंजीन, क्योंकि यहाँ का गर्म इलाका है, में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लीमू हमारे सलाद में, प्याज वाला सलाद जो कि दाल माश कीमा आलू के साथ बड़े शौक़ से खाया जाता है। इसके अलावा यूरोप में तो लीमू मछली में मिक्स किया जाता है, जो कि लीमू मछली के अंदर जो अमाइंस हैं उनको न्यूट्रलाइज़ करता है, उनके वोलेटाइल आयल्स को नॉन न्यूट्रलाइज़ करता है और अमोनियम सॉल्ट बनाता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत मुफीद है। अब ये लीमू के इतने अच्छे फ़वाद हैं, तो डेफिनेटली इसके इन्विट्रो इतने अच्छे फ़ायदे हैं, तो अंदर जिस्म में कितने ज़्यादा होंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इसके अंदर विटामिन सी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद है। इसके अलावा लिमोनेन और विटामिन ए बी सी डी, और ये जिस कम्बिनेशन में हैं उससे अल्लाह मियां ने इसको एक इंजीनियर बनाकर हमारे जिस्म के लिए एक इंजीनियर बनाकर भेजा है, जो हमारे जिस्म की ना सिर्फ कुर्त मुदाफियत को बढ़ाता है बल्कि इसके कैंसर नहीं होने देता। ये फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। तो जितना नेहरू ने हमेशा अपनी दस्तरखान का एक रोज़मर्रा की बुनियाद पर एक इसको अपना जूस बनाया था, तो मैं कहूँगा कि आप भी कुदरत के इस अनमोल इंजीनियर को अपने जिस्म में दाखिल करें और रोज़ाना के बुनियाद पर लीमू का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया।